हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है, डिलीवरी का कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हो चुका है। हर कंपनियां डिलीवरीज लेके आ रही हैं, सभी बहुत ज्यादा कंपनियां इस टाइम पे मार्केट में आ चुकी हैं। डिलीवरी को लेकर सब अपने एक से बढ़कर एक कंपनियां लगातार मार्केट में आती जा रही हैं। आपने आज मैं बात करने वाला हूँ इनड्राइव। नाम तो आपने सुना होगा और बहुत सारी कार पर भी एड आपने देखा होगा, इनड्राइव इनड्राइव दिल्ली इनड्राइव, ये करके बहुत सारी। ये एक तरीके की सिर्फ कार में सर्विस देता था, मतलब कि कार। इसमें क्या होता है, कस्टमर बुक करता है, अपने हिसाब से रेट दिखाता है कि इतने में बुक होगी। इस तरीके का कुछ सीन है इनड्राइव में। बट इनड्राइव ने अब क्या किया है, इनड्राइव लेकर आ गया कोरियर सर्विस। मतलब कि अब बाइक वाले बंदे भी इसमें आईडी बना सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल ये जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है रिसेंटली में, तो अभी शायद इसमें काम ना भी होता तो क्या ही फर्क पड़ता है। हम प्रोसेस बताएंगे आपको कि इसमें आईडी कैसे बनानी है, क्योंकि भाई अभी फ्री में आईडी बन रही है इनड्राइव में। बाद में हो सकता है, क्योंकि अगर काम इनड्राइव के पास में आ गया, जैसे अदर कंपनी है, उबर है, पोर्टर है, वी फास्ट है, तो इन अंकल डिलीवरी है, इनके पास जैसे कि काम आ गया, तो इन्होंने एक तरीके से फीस रखनी शुरू कर दी कि भाई रजिस्ट्रेशन पे इतने पैसे लगेंगे। अभी इनड्राइव सिर्फ उतरा है मार्केट में, तो अभी इसमें कोई फीस नहीं लग रही है। तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हमें चाहिए फ्री में आईडी बने, बात खत्म। हमें कोई मतलब ही नहीं है हमारा काम फ्री में हो जाए, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। बात तो सही है। तो आज बात करेंगे इनड्राइव में आईडी कैसे बनाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट्स तो सभी में वही चाहिए होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बाइक आरसी और बाइक के पॉल्यूशन और इंश्योरेंस वगैरह, ये सब चीजें चाहिए होती हैं सभी कंपनी में। बट इसमें इनड्राइव में भी यही चीज मांगा है, पर इसमें एक दो चीज है डिफिकल्ट, जो हो सकता है कि यार आपको लगे ये मैं कहां से लाऊं, ये मुझे कहां मिलेगा। तो चलो अब चलते हैं सीधा इनड्राइव ऐप पर और सब कुछ चीजें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आईडी बनानी है, सारा प्रोसेस आपको समझाते हैं। तो चलो चलते हैं साइड में, आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। अब सबसे पहले आप स्क्रीन पे साइड में देख सकते हो, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूं और मेरे सामने है इनड्राइव ऐप। तो इसे सिंपल सबसे पहले ऑन करते हैं, ये बोलेगा कुछ सिक्योरिटी डाटा है, इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद में यहां पर अपना नंबर डालेंगे, तो मैं नंबर यहां पर डाल देता हूं। तो मैंने जैसे यहाँ पर नंबर डाल दिया है, नंबर आपको दिखेगा नहीं, मैंने हाइड किया हुआ है, तो ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप पे कोड भेजेगा या एसएमएस में, ये पूछता है, तो आप व्हाट्सएप पे भी कोड ले सकते हैं, बाय टैक्स भी ले सकते हैं। तो अगर व्हाट्सएप पे लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे ले लें। मैंने टैक्स पे क्लिक किया है, तो यहाँ पर हमारा ओटीपी आ चुका है और यहाँ पर सिंपल मैं लॉगिन कर देता हूँ, ओटीपी डाल दिया है। सबमिट जैसे करेंगे अब आपके सामने खुल के आ गया है और ये परमिशन ही मांगेगा कुछ इस तरीके से, परमिशन है देती जानी है, पूछना नहीं है, कुछ भी ले लो, हमारा सारा डाटा ले लो। तो ये दिल्ली के लिए बोल रहा है, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ फिलहाल। अभी इसके बाद में क्या, ये अब पूछता है पैसेंजर, क्या आप कस्टमर हैं या ड्राइवर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप इन ड्राइव के थ्रू कुछ भेजना चाहते हैं तो पैसेंजर पे क्लिक करें, नहीं तो ड्राइवर पे क्लिक करें। हम तो ड्राइवर हैं, तो ड्राइवर पे क्लिक करेंगे, अपना नाम डालेंगे, जैसे मैं यहां पर डाल देता हूं, ये मैंने अपना नाम डाल दिया है। इसके बाद में अब आपके सामने सब कुछ हो रहा है, सब कुछ देखते जाना स्टेप बाय स्टेप। अब ये रेड यहां पर दिखा रहा है, एक तरीके से ये ऐप खुल के आ गया है। बट यहां पर आपको जाना है प्रोफाइल पे और यहां सबसे ऊपर में अपने इस पर क्लिक करना है, उसके बाद में आपको दिखेगा ये। तो अब सबसे ऊपर दिखा रहा होगा आपको सिटी राइड्स, इस पे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद में अगर आप कार वाले हो तो अपनी कार अटैच कर सकते हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं तो अपनी ऑटो रिक्शा ऐड कर सकते हैं। सबसे नीचे है कोरियर, ये बाइक वालों के लिए है, तो हम सिंपल कोरियर पर क्लिक करते हैं। कोरियर पर क्लिक करने के बाद में बेसिक इंफॉर्मेशन मांगेगा, जिसपे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपसे आपका नाम, लास्ट आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम पूछेगा और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी, इस तरीके का वो, इसको भर देना और सेल्फी भी अपलोड होगी, सबसे ऊपर क्लिक करके सेल्फी भी अच्छे से डाल देना। तो यहाँ पर आप अपना एक सेल्फी लेनी है आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड के साथ में, इस तरीके से सेल्फी जैसे इसमें दिखाया है, तो उसमें साफ दिखना चाहिए।
तो इस तरीके की सेल्फी लेनी, वो भी अपलोड कर देनी है। उसके बाद में आ जाओ, अगला स्टेप आपको बताते हैं क्या है। अब यहाँ पर आईडी कार्ड दिखा रहा है, आईडी कार्ड में वही आपको करना है, आधार कार्ड की फोटो फ्रंट से लेनी है, दूसरे में बैक से लेनी है, अपलोड कर देनी है। उसके बाद में चौथा स्टेप है पुलिस। अब आता है पुलिस क्लियरेंस प्रमाण पत्र। ये क्या बोला तूने? ये मतलब कि ये सर्टिफिकेट छोड़ो इसको। अब इसमें क्या आता है, इसमें या तो पुलिस का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, नहीं तो एक ऑप्शन इसमें दिया गया है कि आप ओला या उबर की जहां पर आप राइड शो करता है वो वाला स्क्रीनशॉट भी लगा दे सकते हैं। मैंने वही लगाया अपनी आईडी में, तो वो लगा देना इस पे स्क्रीनशॉट जहां पर आपको दिखता है कि इतनी राइड आपने कंप्लीट करी। उसके बाद में आता है रेफर कोड, तो रेफर कोड आप मेरा डाल देना जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये रेफर कोड यूज कर लेना, क्या पता मेरा कुछ फायदा हो जाए। बहुत तेज हो रहा है। हो जाएगा तो क्या जा रहा है। अब तीसरे पे आता है व्हीकल इंफॉर्मेशन, यहाँ पर ड्राइवर टाइप लिख के अपना यहाँ पर आ गया, जैसे अदर हो गई हमारी मोटो हो गई, वैसे मोटो पे क्लिक कर दिया, उस तरीके से यहाँ पे डन कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। सबमिट होने के बाद में आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी कि 4 घंटे में आपकी आईडी एक्टिवेट कर दी जाएगी। ये इस तरीके से सबमिट में आपके साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हो, इस तरीके से आएगा कि आपकी आईडी 4 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगी। तो इस तरीके की फ्री सर्विस है, आईडी बना लो भाई, क्योंकि बाद में पता नहीं ये भी पैसे लेना शुरू कर दे। अभी तो फिलहाल इसमें काम नहीं है, क्योंकि मैंने लॉगिन करके देखा था, तो फिलहाल तो इसमें काम नहीं है फिलहाल, पर धीरे धीरे हो सकता है इसमें भी काम आने लगे। तो एक आईडी बना के रख लो यार, कि क्योंकि एक चीज और बढ़ जाएगी हमारे पास में, साइड में रख लेंगे इसको, अगर रेट अच्छा देगा तो काम करेंगे, नहीं देगा तो निकल यहां से। क्योंकि हमारे पास तो सारी आईडी होनी चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इन ड्राइव में बाइक आईडी कैसे बनाएं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना, ये इंफॉर्मेशन बहुत काम की थी जो मैंने आपको दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।